नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। मैं उम्मीद करता हूं बढ़िया चल रही होगी आपकी पीजीटीआरट की तैयारी। आज के इस सेशन में हम लोग मॉडल पेपर थर्ड सॉल्व करेंगे, जिसमें 125 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है। लेकिन इसकी सॉल्विंग हम लोग बहुत फास्ट देखेंगे, क्योंकि वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस ही देखनी है हमें, तो बहुत फास्ट कार्य होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार हो गए होंगे पेन पेपर लेके। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो जामिनी राय ने कला को जो है चित्रकला के रूप में नाम कमाया है, सबसे ज़्यादा फेमस हुई हैं चित्रकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वह याद ग्रंथ जिसपे उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की थी? तो अमजद अली खान ने सरोद वादन के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, 4th इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं? तो नीरू स्वामी पिल्लई का जो संबंध है वो मूल रूप से नदस्वरम से है, नदस्वरम 3rd इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है सितार। कल वाले मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, एस बालाचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो एस बालाचंद्रन का संबंध है वीणा से, राइट आंसर 3rd बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, पूछा गया मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? तो मुगल चित्रकला की जो मूल विशेषता है वो दरबारी चित्रण भी है, पशु पक्षियों प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी है और युद्ध दृश्य चित्रण भी है, इसलिए इसका राइट आंसर बन रहा है उपरोक्त सभी, 4th इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, 7 में पूछा गया मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है, तो 6 में पूछा गया उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 7 में पूछा गया है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो मोहन वीणा का जो आविष्कार है वो मनमोहन भट्ट साहब ने किया है, मनमोहन भट्ट इसका राइट आंसर है मोहन वीणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला वादक सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? तो गुदई महाराज इसके राइट आंसर हैं, 4th। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो सितार को खोजा अमीर खुसरो ने, राइट आंसर 3rd बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधी जो नृत्य होता है उसे हम लोग मेघालय का बांबूर नृत्य कहते हैं, राइट आंसर 2nd बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं शास्त्रीय गायन में, अमजद अली खान साहब फेमस हैं, 4th इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है प्रसिद्ध गायिका पिनाजी मसानी किस गायत्री के लिए संबंधित हैं? तो पिनाजी मसानी जो हैं वो मूल रूप से गज़ल गायिका हैं, राइट आंसर 2nd बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं? तो लोक नृत्य के लिए फेमस हैं लोक नर्तक शब्द, लोक नर्तक, ठीक है, राइट आंसर 3rd है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है शेरावटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो शेरावटी क्षेत्र में मूल रूप से डांडिया होता है, राइट आंसर 2nd है। क्वेश्चन नंबर 15, काडाम लोक नृत्य का संबंध है? काडाम जो लोक नृत्य है वो मूल रूप से ओराव में प्रचलित है, ओराव इसका राइट आंसर है, 1st। क्वेश्चन नंबर 16, जन्ना कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो ये पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल में है जन्ना। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, लोक नृत्य लंबांडी किस राज्य से संबंधित है? तो लंबांडी लोक नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से, राइट आंसर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मूल रूप से मीमांसाओं पर संबंधित है, राइट आंसर 2nd बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये प्रतिपादित किया है आजीविकाओं ने, राइट आंसर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है 20 में कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र उत्सव जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, राइट आंसर 2nd बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा पर्व जो है ये मूल रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है, एक बढ़िया उत्सव है, 2nd इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है,
बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के जो दर्शन की स्थापना है वो वल्लभाचार्य जी ने की है, राइट आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो गायत्री मंत्र मूल रूप से ऋग्वेद में शामिल है, राइट आंसर एक बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो ऋग्वेद पे आधारित जो संकलित ग्रंथ है उसका नाम है सामवेद, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे लोकप्रिय पुराण कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है, राइट आंसर ए है। 18 पुराण होते हैं, ध्यान रखना है, मत्स्य विष्णु मार्कंडेय श्रीमद् भागवत सब कुछ पुराण ही हैं, 18 पुराण होते हैं, इनकी संख्या 18 है। 4 वेद होते हैं, 6 उपनिषद होते हैं, राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व मूल रूप से झारखंड में मनाया जाता है, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र योम अंगीरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो वह कौन सा उपनिषद है जिसमें देवकी पुत्र और अंगीरा? तो वो छंदोग्ध उपनिषद है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है छंदोग्ध उपनिषद, राइट आंसर थर्ड ये भी है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदू धर्मावलंबियों का सबसे फेमस जो ग्रंथ है वो रामायण भी है, महाभारत भी है और वेद भी है। तो वेद भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है जहाँ यहाँ वह अन्यत्र भी यह जहाँ यहाँ वह अन्यत्र भी है जो यहाँ नहीं है, वह कहीं नहीं है, निम्नलिखित में से यह ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कौन से ग्रंथ में कहा गया है भैया? ये महाभारत में कहा गया है, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है वेदत्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो वेदत्रयी में मूल रूप से जो शामिल होता है ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद शामिल होता है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट का है, सबसे नया वाला वेद है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक होता है? स्तूप के लिए मूल रूप से परिनिर्माण का संबंध है, यानी मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम जो उपदेश है उसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा जो दर्रा है मूल रूप से भारत में स्थित है, राइट आंसर से फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद जो है उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो उसके निर्माणकर्ता है परवेज शाह, राइट आंसर है परवेज शाह, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 तरफ बढ़ते हैं, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया गया था? तो जो विक्टोरिया महल है उसे बनवाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, राइट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, मुसलमानों का पवित्र सौहार जो पवित्र शहर है वो मक्का किस देश में है? तो मक्का मूल रूप से सऊदी अरब में है, राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है हुएनसांग स्मारक के लिए, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो ग्वालियर का किला जो मूल रूप से है राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया, राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो ब्राह्मी लिपि जो अर्थ है उसे जेम्स प्रिंसेप ने निकाला सबसे पहले, फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। 42 में पूछा गया बद्रीधाम कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीधाम मूल रूप से उत्तराखंड में अवस्थित है, राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया ओंकार वाट कहाँ अवस्थित है? तो ओंकार वाट मूल रूप से कंबोडिया में स्थित है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी? तो भारत महोत्सव मूल रूप से 1982 में स्टार्ट हुआ है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है पेंटागन स्थित है? तो पेंटागन मूल रूप से कहां स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1784 ईस्वी में, राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थापित किया गया है? पवनार आश्रम कहाँ पे स्थापित किया गया भैया? तो ये है महाराष्ट्र में, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है? अगर भारत भवन की बात होती है तो ये भोपाल हो जाता है, और भारत कला भवन की अगर बात होगी तो ये वाराणसी राइट आंसर हो जाएगा, भारत भवन भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं, आनंद भवन स्थित है?
आनंद भवन मूल रूप से कहाँ पे स्थित है भैया? तो आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट शालीमार बाग और निषाद बाग, शालीमार बाग और निषाद बाग मूल रूप से कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। 51 में पूछा गया है कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो कपिल वस्तु मूल रूप से नेपाल में स्थित है, राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है मैरीना बीच कहाँ स्थित है? मैरीना बीच जो है मूल रूप से चेन्नई में स्थित है, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर को मूल रूप से सवई राजा जयसिंह ने बनवाया है, सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेले का संबंध राजस्थान राज्य से है, राइट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर का संबंध है माउंट आबू से, यह भी राजस्थान का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो होयसलेश्वर का जो फेमस मंदिर है वो हेलविड में स्थित है, हेलविड फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो जो छोटी तीज है उसका संबंध है श्रवण मास से, राइट आंसर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58 कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंतिम प्रदर्शन कौन करता है? तो अंतिम प्रदर्शन कौन करता है भैया? ईद उल फितर, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, सागा दाव किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागा दाव जो है मूल रूप से बौद्ध धर्म का फेमस पर्व है, सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, पुरी की रथ यात्रा किससे सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की जो रथ यात्रा है वो कृष्ण सुभद्रा और बलराम के शोभा यात्रा के लिए निकाली जाती है इनके सम्मान में, ठीक है, राइट आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है पैगंबर मोहम्मद के जन्म के दिन उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ है उसके दिन हम लोग मनाते हैं ईद मिलुल मिदुन नबी, ठीक है, राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, कांस मेला का आयोजन कहां होता है? कांस मेला का आयोजन मूल रूप से मथुरा में होता है, राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो दुमका का जो हिजला मेला है वो मयूराक्षी नदी के किनारे स्थित होता है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहां लगता है? तो जो हरिहर क्षेत्र का मेला है वो बिहार में लगता है, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं, हड़प्पन लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो हड़प्पन का जो संबंध है वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल में है, फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहां पे हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहां पे है? तो गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है वो मूल रूप से लुम्बिनी कहलाती है, फर्स्ट इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है आदि शंकराचार्य का जन्म कहां पे हुआ है? आदि शंकराचार्य का जन्म जो है कलादी में हुआ है, राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था? चैतन्य महाप्रभु जो है वो नाड़िया में जन्मे हैं, फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? काला चांद जो नामक चित्र है वो सतीश गुजराल साहब ने बनाया है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं, बाघ गुफा किस लिए फेमस है भैया? तो ये चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुई है, सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, विश्वविख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किसके चित्रकार हैं? लास्ट जजमेंट के जो चित्रकार हैं उसे एंजेलो कहते हैं, फोर्थ इसका सेकंड राइट आंसर है, एंजेलो द लास्ट जजमेंट के चित्रकार एंजेलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है? तो जो लास्ट सफर जो है ये विंची की कृति है, थर्ड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो प्रियवंदा मोहंती जो है इनका संबंध है ओडिसी, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है मधुबनी चित्रण शैली जो मधुबनी चित्रण कला शैली है का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी कहां पड़ता है भैया? बिहार में पड़ता है, राइट आंसर फोर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता की जो चित्रकारी है मूल रूप से बौद्ध धर्म से संबंध रखती है, सेकंड इसका राइट आंसर है। 77 में पूछा गया है बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक आचरणों की प्रधानता है? तो वो है हीनयान धर्म में, ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 78 में पूछा गया है निम्नलिखित चित्र गुफाओं में से सबसे पुराना चित्र कौन सा है? सबसे पुराना चित्र
तो सबसे पुराने चित्र जो है वो भीमबेटका का है, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, मूर्तिकला का गांधार शैली स्कूल शैली जो है निम्नलिखित शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? तो किसका सम्मिश्रण है भैया, वो है भारत एवं ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण है मूर्तिकला, जो गांधार स्कूल शैली है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 80 में पूछा गया है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो राजस्थानी जो विचारधारा है उसका आरंभिक मुख्य केंद्र कहाँ पे है? बूंदी, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 81 में पूछा गया है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो औरत नामक जो चित्र है उसका चित्रांकन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, कांगड़ा चित्रण शैली का संबंध किस राज्य से है? तो कांगड़ा का संबंध मूल रूप से हिमाचल प्रदेश है, राइट आंसर सेकंड है। 83 में पूछा गया है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण शैली पर आधारित है? तो बनी ठनी मूल रूप से किशनगढ़ शैली पर आधारित है, सेकंड इसका राइट आंसर है। 84 में पूछा गया है, भारतीय चित्रकला के पुनरुज्जीवीदान विचार का जो विचारधारा है उसका प्रवर्तक कौन था? तो उसका प्रवर्तक कौन है भैया, वो जैमिनी राय है, राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है, हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का निर्माण करवाया था? हर की पैड़ी जो है उसका निर्माण किसने करवाया है? राजा विक्रमादित्य ने, सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंहदेव द्वितीय ने करवाया है, सेकंड, ठीक है, नरसिंहदेव सेकंड ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है, खुदा बकस ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है? तो खुदा बकस जो ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है वो पटना, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। 88 में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में जो पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ है एवं वैष्णो देवी है वो कहाँ पे है? तो अमरनाथ और वैष्णो देवी मूल रूप से जम्मू एंड कश्मीर में है, राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, ज्योतिषी पीठ कहाँ अवस्थित है? ज्योतिषी पीठ जो है वो मूल रूप से बद्रीनाथ में स्थित है, राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है? श्रृंगेरी पीठ मूल रूप से कहाँ है? मैसूर में स्थित है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? गोवर्धन पीठ मूल रूप से पूरी द्वारिका में स्थित है, सेकंड इसका राइट आंसर है। 92 में पूछा गया है, महावीर के ज्ञानोपलब्ध स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, यहाँ कहाँ स्थित है? तो जैनियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो राजगृह है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 में भी पूछा गया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, राइट आंसर फर्स्ट है। 94 में पूछा गया है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो विट्ठल स्वामी मंदिर है उसे कृष्णदेव राय ने कराया है, राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं, 95 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया है? चंदेल शासकों ने खुजराहो के मंदिर का निर्माण कराया है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया है? कोणार्क, पुरी का जो कोणार्क मंदिर है वो पूर्वी गंग शासकों द्वारा कराया गया है, थर्ड इसका राइट आंसर है। 97 में पूछा गया है, प्रसिद्ध शिलोत्कर्ण कैलाश मंदिर का कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर जो है मूल रूप से कहाँ पे स्थित है भैया? एलोरा में स्थित है, इसका राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? हरिहर क्षेत्र का मेला है ये, और लगता कहाँ पे है कमेंट के माध्यम से जरूर बताया। क्वेश्चन नंबर 99 में, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ, इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर मूल रूप से उड़ीसा प्रांत में स्थित है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 101 में पूछा गया है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में स्थित है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर मूल रूप से कोणार्क में स्थित है, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 103 में पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीरंगा मंदिर मूल रूप से तिरुचरी पल्ली में स्थित है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। 104 में पूछा गया है, बनी ठनी चित्रण शैली किससे संबंधित है? किशनगढ़, इसका राइट आंसर है। 105 में पूछा गया है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो मुगल शासक वह था जिसने चित्रकारों को सबसे ज्यादा संरक्षित किया है, वो है जहांगीर, और किसने खदेड़ दिया है, वो है औरंगजेब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया, महात्मा गांधी के जीवन की किस घटना से महात्मा गांधी के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सी है जो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? वो है सांची, राइट आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ पे है? समाधि स्थल नांदेड़ में है स्थित है, थर्ड इसका राइट आंसर बन रहा है। 108 में पूछा गया है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायन शैली के जन्मदाता तानसेन को गंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो तानसेन किसके दरबार में रहता था यही जान ले, राइट आंसर पता चल जाएगा, अकबर राइट आंसर है इसका। 109 में पूछा गया है, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्धमान नाम था महावीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं, राग मियां का मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियां के मल्हार जो हैं
उनके रचयिता कौन है? तानसेन है। राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया संगीत सम्राट जो है तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट जो तानसेन है उनके गुरु हरिदास थे। सेकंड इसके राइट आंसर है। 112 में पूछा गया है बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? बाउल की जो लोक नृत्य शैली है वो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 113 में पूछा गया है मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्रियां कहकर गौरवान्वित किया था? तो वो है सितारा देवी। राइट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक नृत्य शैली से गोपी कृष्णन संबंधित है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 115 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? गरबा। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। पूछा गया है लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लीला सैमसन मूल रूप से भरतनाट्यम से संबंधित है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा मूल रूप से कथकली से संबंधित है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 118 में पूछा गया है सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सादिर मूल रूप से भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं चीन में तस्य अली लुन के कागज का आविष्कार किया था? तो चीन में जो कागज का निर्माण है वो 105 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा पूर्व राइट आंसर है फर्स्ट। 121 की बात करते हैं क्वेश्चन पूछा गया इंग्लैंड में विलियम कोस्ट्रैन ने अंग्रेजी भाषा में पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया था? तो पहला प्रतीक चिन्ह जो है 1573 में मुद्रित किया था। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं कॉक्स टोन ने अंग्रेजी भाषा का सर्वप्रथम विज्ञापन यानी पोस्टर मुद्रित किया था किस सन में मुद्रित किया? तो वो किया था 1477 में। कॉक्स टोन ध्यान रखना है नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो मूल रूप से 1300000 वर्ग किलोमीटर में था। फर्स्ट इसका राइट आंसर बन रहा है। 124 में पूछा गया है लोहा युक्त संस्कृति के अंतर्गत लोहे से निर्मित कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? राइट आंसर इसका क्या है? हल अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। 125 में पूछा गया है भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में की गई थी कहाँ पे हुई है? मुंबई में हुई है। तो ये थे 125 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर 3 के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल पर बहुत सारी वन डे एंट्रेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।